हमारे साथ मौजूद है बीआर गवांडे साहब, जिन्होंने मराठी ज़बान में बड़ी दिलचस्प बात रखी। हम उनसे जानते हैं कि वेलफेयर पार्टी का अगला प्रोग्राम क्या होगा। पहली बात तो ये कि देश का जो कानून है, भारतीय संविधान, उसका अमल होना चाहिए। दूसरी बात कि इस देश में जो जीडीपी है वो किसानों से ज़्यादा आता है, तो जैसा रेल का अर्थसंकल्प होता है, सेपरेट बजट होता है, वैसा ही एग्री का सेपरेट बजट, एग्री विशेष स्टेट का है, स्टेट का सेपरेट एग्री बजट होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी। अगर ओबीसी 52% है, हमारा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज 10% है, आदिवासी 7.5% है, जो भी जिस पॉपुलेशन में है उसके अनुपात में उनको सभी क्षेत्रों में भागीदारी दी जाए। उसके बाद में कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल है धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के लिए, ओबीसी के लिए अन्ना भाऊ पाटिल महामंडल है, इसको आर्थिक फंड दिया जाए कि भाई हमारे लोग कुछ उद्योग खड़ा कर सके। इसके बाद में कि जो जनगणना जो है, ओबीसी की जनगणना अभी तक हुई ही नहीं है, वो धर्मनिहाय जनगणना ना होते हुए जातिनिहाय जनगणना इस देश में हो। उसके बाद में हमारा कहना यह है कि चुनाव के समय में सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में बता दिए कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर मैनिफेस्टो में जो बताया है वो आने वाले 6 महीने के भीतर अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो जनता को धोखा दिया, तो धोखे का जो कलम होता है 420 का कलम, उसके अंतर्गत उस पर कार्यवाही हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, और ख़ासतौर पर यह है कि इस देश में भाईचारा जो है वो बना रहे, बंधुत्व बना रहे, इसलिए संविधान का जो यह है जिसमें भाईचारा बताया गया है उसको, देशाची एकता और अखंडता जो कहा गया है, तो उसको बाधा ना आए। अगर ऐसे कुछ आते हैं तो कोर्ट ने उस पर एक कोई तो भी ये स्टेप लेना चाहिए, और ऐसे लोगों को देश में सामने लाना चाहिए, उनको कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे जो पार्टियां हैं कि देश में इस भारतीय संविधान को तहस नहस करके इस देश में दंगे फसाद का वातावरण निर्माण करना चाहते हैं, तो ऐसे पार्टियों पर बैन भी आ जाए। इतना ही नहीं तो बिना कारण जेल में सालों से बहुत सारे लोग ठुसे गए हैं, कोई गुना उन पर सिद्ध नहीं हुआ है। एक तो गुना सिद्ध करो, नहीं तो उनको जेल से मुक्त करो, एक तो चार्जशीट दाखिल करो, नहीं तो मुक्त करो। बिना कारण बेवजह जेल में जो ठुसे गए हमारे नौजवान है उनको बाहर निकाला जाए। थैंक यू सर। कि इस देश में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि सभी समाज को लेकर उसको उसका हक दिया जाए, और किसी की भी साथ ना इंसाफी ना हो, ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का मकसद है, ऐसा उन्होंने बताया।